हाय एवरीवन आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कैनेडा के बारे में कैनेडा पीआर को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर है कैनेडा के चार प्रोविंस ने ब्रिटिश कोलंबिया अल्बर्टा के और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ने अपने पी एन निकाले हैं एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स को इन्विटेशन टू अप्लाई भी भेजा है तो मैं चाहता हूँ कि गुड न्यूज़ आपको ऑनलाइन एक्सप्लेन कर दूँ उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा सुनाओ so आप देख सकते हो ये सी आई सी न्यूज़ बहुत फेमस न्यूज़ एजेंसी है कैनेडा को लेकर इन्होंने आप पे ब्रेकिंग न्यूज़ दी है इसको पढ़ लेते हैं ब्रिटिश कोलंबिया एलबर्टा के एंड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड इशू इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर प्रोविंशियल इमिग्रेशन यानी कि ब्रिटिश कोलम्बिया एलबर्टा के एंड प्रिंस प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ने अपने इन्विटेशन टू अप्लाई भेजे हैं जो प्रोविशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम है इनका उसके थ्रू इन्होंने भेजे हैं आगे लिखा है फोर प्रोविसेज हैव इनवाइटेड कैंडिडेट्स इन मोस्ट रिसेंट प्रोविंशियल इमिग्रेशन ड्रॉज यानी कि जो रिसेंटली ड्रॉज निकले हैं वो इन चार प्रोविंसेस के ही निकले और यहाँ पे लिखा हुआ इक्कीस जन जनवरी ये बहुत लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए तो आगे लिखा हुआ है ब्रिटिश कोलंबिया अल्बर्टा केबैक एंड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हैव इशूड इनविटेशंस टू अप्लाई टू कैंडिडेट्स थ्रू प्रोविंशियल इमिग्रेशन प्रोग्राम दिस वीक अल्बर्टा एंड केबैक ड्रॉज आर रीसेंट पब्लिकेशंस ऑफ ड्रॉज दैट अकर्ड इन दिसंबर यानी कि दिसंबर के बाद कह सकते हो कि ये पहली बार ऐसा है कि जो एल्बर्डा केबैक ने अपने ड्रॉज निकाले आगे लिखा हुआ है जो मेन चीज़ है जो आपको समझना जरूरी है यहाँ पर लिखा है प्रोविंशियल इमिग्रेशन रिजल्ट्स जनवरी 14 जनवरी 20 यानी कि 14 से 20 जनवरी के बीच में ये ड्रॉज निकले थे आगे लिखा हुआ है एलबर्टा के बारे में द एलबर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम डबल ए आई पी एश्यूड वन ट्वेंटी नाइन टू अप्लाई फॉर प्रोविशियल नॉमिनेशन थ्रू द एलबर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम ऑन दिसंबर एट एंड हैज ओनली पब्लिश्ड दीज रिजल्ट रिसेंटली कैनल्स रिक्वायर्ड मिनिमम सी आर एस स्कोर ऑफ थ्री हंड्रेड फाइव यानी कि एल्बर्टा का जो ये नामिनेशन प्रोग्राम है इमिग्रेशन प्रोग्राम है इन्होंने अपने ड्रॉज निकाले थे एंड सी आर एस स्कोर लिख इनका जो था वो था तीन सौ पाँच तो जितने भी लक्की कैंडिडेट्स थे यानी कि एक सौ उनतीस कैंडिडेट्स ने ये सी आर एस स्कोर मैच किया था एंड उनको इन्विटेशन टू अप्लाई भेजा गया ताकि वो अब अब पी एन पी के लिए अप्लाई कर सकें आगे लिखा हुआ है के बैक के बारे में पढ़ लेते हैं Quebec invited इन्वाइटेड थाउजेंड फोर फोर्टी सेवन स्किल्ड वर्कर्स टू अप्लाई फॉर परम सिलेक्शन ऑन दिसंबर फिफ्टीन रिजल्ट फॉर ओनली पब्लिश दिस वीक कि Quebec ने total एक हज़ार सैंतालीस स्किल्ड वर्कर्स को भेजा था invitations to apply. यानी कि उन्होंने match किया था जो draw था and results इसी week इन्होंने announce किए तो ये भी बहुत अच्छी खबर है जिनको Quebec जाना है उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है तो आपको फ्रेंच भी आनी बहुत जरूरी है आगे लिखा है ब्रिटिश कोलंबिया तो ब्रिटिश कोलंबिया ने क्या किया पढ़ लेते हैं ब्रिटिश कोलंबिया इनवाइटेड मोर देन 187 कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर प्रोविंशियल नॉमिनेशन ऑन जनवरी 17। यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया ने इनवाइट किया एक सौ सत्ताईस कैंडिडेट्स को यहाँ पर लिखा है प्रोविंस इन्वाइटेड वन कैंडिडेट्स

टेक ऑक्यूपेशंस में एक्सपर्ट हैं उनको भी किया है एंड साथ में सेमी स्किल कैंडिडेट्स को भी इन्होंने इनविटेशंस टू अप्लाई भेजा है तो यानी कि सबको मौका मिला है इस बार ब्रिटिश कोलंबिया के ड्रॉस के अंदर एंड लास्ट में लिखा हुआ है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ऑन जनवरी नाइनटीन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड इन्वाइटेड टू हंड्रेड सिक्सटीन कैंडिडेट्स थ्रू द लेबर एंड एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम ऑफ द पी आई पी एन पी दे वो ऑल्सो सेवन कैंडिडेट्स इन्वाइटेड थ्रू द बिजनेस वर्क परमिट ऑन थ्रप न मिनिमम पॉइंट थ्रैश सिक्सटी टू यानी कि टोटल कहने का मतलब ये है कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ने दो सौ सोलह कैंडिडेट्स को इनविटेशंस भेजा है जिन्होंने ड्रॉ मैच किया था तो ये सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ तो अगर आपको भी कनाडा का पीआर चाहिए चाहे एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू या पीएनपी के थ्रू तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम आपको आपका प्रोफाइल एसेस करेंगे उसके बाद आपको अच्छे से गाइड करेंगे ताकि आपको भी पी मिलने के चांसेस बन जाए एंड इसके अलावा अगर आपको और भी वीज़ा अप्लाई करने स्टडी वीज़ा स्पाउस वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा सारे वीजा में अप्लाई करते हैं आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए हमसे सवाल पूछे आपको रिप्लाई करेंगे एंड इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करना शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली वीडियोस देखने को मिलती रहे कैनडा के बारे में सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज हमेशा अपना ध्यान रखिए